साले कुत्तों, तुम्हारी सबकी भौंक निकाल दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। भाई साहब जानते हो, अगर आप 20 से लेकर 30 वाट तक हाई बेस ब्लूटूथ स्पीकर बीडी स्पीकर ऑर्डर करते हो भाई, 2000 से नीचे नहीं आएगा। यकीन मानिए भाई साहब, देखो भाई साहब ये रहा भाई, 2000 का इस नीचे आपको ब्लूटूथ स्पीकर नहीं मिलने वाला। और भाई साहब आज मैं इस वीडियो में ऐसे धांसू ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाला हूँ, लुक वाइज ऐसा ही रहेगा जैसे गाइस मार्केट से आपने परचेस किया हो, लेकिन भाई साहब बिल्कुल ट्रू हाई बेस बीटी स्पीकर होगा। और भाई साहब यकीन मानिए इससे 4 गुना कम प्राइस बनेगा। प्लीज दोस्त वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, कोई बंदा ये नहीं कहेगा देखने बाद कि भैया आपने बनाया है या मार्केट से मंगाया है। चलो गाइस प्रोडक्ट चलते हैं भैया अपने टॉय पर। समर एक्सपेरिमेंट। ना गाइस इस बार एक्टिंग नहीं कर रहा भाई, जोर से हाथ में लगे भाई, मैं लेकर आता हूँ, ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया। देखो भाई साहब कैसा हाथ लटक गया। तो भाई साहब जोर से लगी है। तो भैया इसे बनाने के लिए मैं लूंगा 1.5 इंच के पीवीसी का पाइप, यहाँ पर गाइस लिखा भी है। और भाई काफी अच्छी क्वालिटी का एक पीवीसी का पाइप है, लाइट वेट भी है, मजबूत भी है। और भाई आप जानते भाई मैं बिल्कुल रियल जितना वाट गाइस मैंने बोला उतना वाट गाइस मैं बनाने वाला हूँ। आप इससे पतला पाइप भी ले सकते हो, लेकिन भाई इसमें दिक्कत होगी सामान आने की। तो चले भाई साहब फटाफट भैया इसकी कटिंग करते हैं। तो भाई साहब ये मैंने कट किया है 15.5 सेंटीमीटर का। तो गाइस अब मैं लेकर आता हूँ भाई साहब स्पीकर। देखो भाई साहब मतलब काफी ज्यादा स्पीकर है और भाई और भी है, हाफ वाट से लेके आई थिंक 30 वाट तक गाइस इसके अंदर स्पीकर है। मैं आपको दिखा, देखो ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा इस क्योंकि टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। ये गाइस आपने काफी देखोगे इस तरह का स्पीकर जो कि 3 वाट के स्पीकर है। तो भाई साहब मुझे आपको ये वाले दिखाने हैं। देख भाई साहब ये वाले स्पीकर, भाई देख भाई साहब 4 ओम 10 वाट। तो भाई एक स्पीकर ये 10 वाट का है, देखो ये भाई बिल्कुल मस्त है चिकना। लेकिन भाई साहब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है भाई, वो दिक्कत मैंने खत्म कर दी है, चेक कर लिया है। स्पीकर की आवाज बढ़िया आ रही है जो बात है, पहले हल्की फुल्की इसमें आवाज फट रही थी। और इसका जो ये कोन है जिसे हम पर्दा कहते हैं स्पीकर का, ये भाई फट रहा था, तो भाई मैंने अच्छे से रिपेयर किया है। अब गाइस काफी लोग पूछेंगे समर ये फटा कैसे है, दूध कैसे फटता है। खैर गाइस ये फटा कैसे है भाई, मेरे गुस्सा आ गया था और मेरे पास एक पुराना स्पीकर पड़ा था भाई, वो मैंने फेंक के मारा तो गाइस वो टूट गया। इतना जोर जोर गाइस मैंने फेंक के मारा कि भाई ये भी हल्का फुल्का सा मतलब इस पर भी इफेक्ट थोड़ा सा पड़ा था, लेकिन भाई इस पर कुछ ज्यादा ही पड़ा। खैर गलती थी और गुस्से में गाइस हो जाता है, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपना ही नुकसान होता है। खैर जो बात है भाई साहब, फटाफट भैया इसे पाइप के अंदर फिट करने का जुगाड़ देखते हैं। लेकिन भाई मैं थोड़ा सा अलग तरीके से फिट करूंगा क्योंकि भाई साहब मुझे बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनाना है। चले गाइस फटाफट भैया ने पहले फिट करने का जुगाड़ देखते हैं। तो भाई साहब ये रहा भैया इसका कपड़ा, गाइस ये है खाकी क्लोथ आता है, मतलब ये कॉटन में है 100% कॉटन। और भाई ये काफी हार्ड है, थोड़ा सा मतलब मोटा है, थोड़ा सा ठीक है। और भाई ये जो टुकड़ा है ये गाइस मेरे को भाई 50 रुपए का मिला है, मतलब कॉस्टली नहीं है और लगेगा बहुत थोड़ा है ना, तो लेकिन भाई मैं इससे थोड़ा सा टुकड़ा क्या मांगता। हाँ अगर आपको कोई टेलर जानता हुआ तो गाइस आप उससे लेकर आ सकते हो, मैं गया था लेकिन उनके पास मिला नहीं क्योंकि अभी फिलहाल कोई सीजन नहीं चल रहा। दिक्कत ये है कि भाई इसमें जो है ना कलफ लग रहा है अभी, मतलब गाइस ये कलफ एक लेयर है इसके अंदर जिसका ये थोड़ा सा ज्यादा टाइट है, तो भाई मुझे इसे वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद गाइस अच्छे से काम करेगा वरना गाइस ये स्पीकर की आवाज दबा लेगा। एक बात और भाई साहब, मेरे को यही कलर मिला है, जैसा भाई आपको कलर अच्छा लगे आप उस जैसा कपड़ा ला सकते हो, लाना गाइस खाकी में ही। चला गाइस फटाफट भैया मैं इसे थोड़ा सा काटता हूँ, जितना लगेगा उससे थोड़ा हम ज्यादा काटेंगे और गाइस धो लेंगे। तो भाई ये रहा पाइप, ठीक है मैं सीधा सीधा कट कर लूंगा। ओ भाई साहब क्या मस्त अभी से लुक आ रहा है, देखो भाई बिल्कुल मार्केट जैसा। तो भाई हम इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, थोड़ा ज्यादा ही ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना आई थिंक इनफ है, हम इसे भाई ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं, मर्जी की बात है। वाह बिल्कुल सीधा कटा है इसे भैया, फटाफट मल मल के धोएंगे।
तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, दोनों स्पीकर काफी अच्छी तरह से मैंने चिपका दिए हैं और भाई साहब मैंने ग्लू लगाई है, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, नहीं जाने वाले भाई, छुटाने से भी नहीं छुटते भाई साहब, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो भैया आप इससे भरोसा कर सकते हो। बाकी गाइस मैंने इस पर स्टड ग्लू लगाई है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मुझे काफी टाइम लगा इन्हें कट करने में, यानी कि स्पीकर का थोड़ा शेप देने के लिए, सगा इसमें अच्छे से फिट कर सकूं इसके अंदर। तो चलेगा इसमें भैया कपड़ा आपको ला के दिखा देता हूँ। तो भैया ये कपड़ा सूख चुका है बिल्कुल मस्त, देख सकते हो। और भाई पहले से काफी सॉफ्ट हो गया है, ठीक है। और भाई इसके चक्सू भी खुल गए हैं, लेकिन भाई हिंदी की इसमें थोड़े से होल खुल गए हैं और ये बस्ते बस्ते हो जाएगा, ठीक है। आप इसे मोटे कपड़े भी ला सकते हो, बहुत सारी क्वालिटी आती है। तो भाई फटाफट भैया मैं इस पर करता हूँ प्रेस, ठीक है, सीधा करता हूँ और भैया इसे लगाता हूँ सीधा इस डब्बे के अंदर। लेकिन भाई साहब थोड़ा सा अलग टाइप से लगेगा, ठीक है। ये मैं सोच रहा था इसमें सीधा चिपका दूंगा, अलग तरह से लाएंगे, हमने कटिंग भी कर रखी है, उसका भी अलग कुछ पर्पज है, ठीक है। चले भाई साहब फटाफट लगाते हैं। तो लीजिए गाइस, देखिए भाई साहब क्या मस्त लग रहा है बॉस, मतलब बेहतरीन। और भाई ये मैंने जानबूझकर रखा है, जिसका एक तो कपड़ा अच्छे से रहे, कोई मतलब जॉइंट अलग से दिखाई ना दे। दूसरी बात भाई यहाँ पर हम कोई सॉकेट लगा सकते हैं, एलईडी लगा सकते हैं, बहुत सारा इस चीज यहाँ पर हम लगा सकते हैं। और भाई ये डिजाइन भी गाइस काफी अच्छा लग रहा है ना, इस कपड़े पर काफी अच्छा लग रहा है। तो भाई आप कोई भी कपड़ा लगाए इस पर, कोई भी आप यहाँ पर मैट लगाए जो भी होगा, तो भैया आप ये वाला डिजाइन जरूर डाल लें, गाइस काफी अच्छा लगता है। इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, मैंने गाइस ब्लैक कलर रखा है। तो भैया अब आते हैं इसके नीचे कैप पर। तो गाइस मैं थोड़ा सा अलग टाइप से बनाऊंगा, ऐसे भाई सीधे ढक्कन चिपका दिया, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें हम लगाते हैं। चले भाई साहब फटाफट का बॉटम तैयार करते हैं। तो भाई साहब ठीक है, थोड़ा सा मैंने हैवी लगाया जानबूझकर, जिससे थोड़ा सा इसका वेट बढ़े। और भाई ये उतके ना, अगर मैं सिंपल लगा देगा इस मजा नहीं आता। तो भाई बिल्कुल ये मार्क जैसा गाइस लग रहा है, जैसे गाइस नीचे थोड़ा सा बॉटम भारी हो। चले भाई साहब अब आते हैं फटाफट के बोर्ड पर, यानी इसके कंपोनेंट्स पर। तो भाई साहब यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ पैम 6-10 एक क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड। भाई ये 15+15 वाट का होता है, लेकिन भाई मेरे ख्याल से 15 वाट का पूरा नहीं होता, तो लगभग 10 या 12 वाट का गाइस आराम से होता, अच्छा आउटपुट दे सकता है, क्योंकि इसे दावा कुछ और करते हैं भाई निकलता कुछ और है। तो भाई 10 वाट का स्पीकर इसका बहुत धासु काम करेगा, बहुत धासु, क्योंकि इसमें पहले ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, बहुत मस्त काम करता है। और भाई साहब एक 5 वोल्ट का चार्जिंग मॉड्यूल, इसे तो आप अच्छी तरह जानते ही हो। तो भाई साहब फटाफट इसमें लगाते हैं। तो लीजिए भाई साहब सारे कनेक्शन मैंने कर दिए, कनेक्शन बहुत ईजी मैंने कहा ना, देखिए बहुत ईजी, इस पर लिखा है, देखिए गाइस 12 वोल्ट आपको यहाँ पर देने हैं, ठीक है। स्पीकर लेफ्ट, स्पीकर राइट, LR लेफ्ट राइट गाइस आपको यहाँ से देने। और भाई इसमें आपको ग्राउंड भी लगाना है, जब गाइस हम 84/3 किट लगाते हैं छोटी वाली, उसमें गाइस ग्राउंड नहीं लगाया जाता, वो हमिंग की आवाज करता है, इसमें आपको ग्राउंड लगाना पड़ेगा वरना गाइस हमिंग की आवाज करेगा, ठीक है। तो भाई तीनों लगा दिए, और भाई से ये 5 वोल्ट चलता है, तो गाइस हमने 78.05 I से लगाई है, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा भैया नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों इनपुट है और ये दोनों आउट।
आउटपुट है, देखिए सीधे मैंने 12 वोल्ट लगा दिए, कनेक्शन बहुत ईजी है। तो चलो भाई साहब फटाफट से बैट लगाते हैं, क्योंकि गाइस ये पोर्टेबल है, कहीं भी आप ले जा सकते हो। तो गाइस बैटरी मस्ट है, और भैया आप चाहो तो मोबाइल की जो पुरानी बैटरी है गाइस वो लगा सकते हो। 3 बैटरी आपको इसमें सीरीज में लगानी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब ये 12 वोल्ट पर चलता है। देखो भाई साहब यह है लैपटॉप की 3 बैटरी 18650। भाई साहब ये बेस्ट है, मतलब ये इसके लिए बेस्ट है, बैकअप बहुत अच्छा देंगी, साउंड क्वालिटी काफी अच्छी होगी। तो चलिए भाई साहब इसे लगाते हैं फटाफट। और भाई साहब BMS लगाना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी लगाएंगे। तो भाई फटाफट इसके अंदर लगाते हैं ये सब चीजें, इसके अंदर करते हैं फिट। हाँ तो भाई साहब ये मस्त बिल्कुल 99.99% कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ, वैसे बाद में दिखाना था लेकिन घर की सी बात है, दोस्त वाली मस्त बिल्कुल। तो भाई साहब इसे बंद करते हैं। यहाँ पर मैंने स्विच दिया है चार्जिंग के लिए और चार्जिंग इंडिकेटर। अब भाई साहब इसे ऊपर से बंद करते हैं, लेकिन भाई साहब मैंने इसमें कोई होल नहीं किया है, तो भाई मैं इसमें लगाने वाला हूँ जुगाड़ वाला एक पैसिव रेडिएटर, जो भाई हम जुगाड़ से बनाएंगे। तो भाई इसके लिए थोड़ा बहुत आपको सामान चाहिए, और भाई बहुत ही चीप बनेगा। तो भाई साहब ये है कोन स्पीकर की, और गाइस ये 3 इंच स्पीकर की कोन है। और भाई साहब ये देखो भाई इसमें बिल्कुल फिट आ रही है, देख रहे हो, वैसे 3 है, मैं एक निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई साहब, देखो भाई साहब क्या मस्त लग रहा है। लेकिन बॉस हम इसे ऐसे नहीं लगाएंगे, हम इसे उल्टा लगाएंगे, उल्टा और भी मस्त आ रहा है, ठीक है। लेकिन भाई दिक्कत ये है भाई हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। तो भाई ऐसे करके बहुत प्यार से निकल जाती है, बहुत प्यार से, भाई ज़्यादा ज़ोर जबरदस्ती नहीं करने का, वरना गाइस ये फट जाएगी बहुत ही प्यार से। और जहाँ से ना निकले वहाँ से गाइस आप इसमें कोई ऑयल डाल सकते हो, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, या थिनर हो गया वो डाल सकते हो। ये छोटी है इसलिए हट रही है, जो बड़ी होगी गाइस उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। तो भाई तो सारी ऐसी हट गई, वाह कमाल हो गया, बिल्कुल ड्राई है भाई, ये फोम है। तो भाई ये तेल भी पी जाएगी अगर आप इसमें तेल डालोगे, तो गाइस इसे आपको साफ करनी पड़ेगी या सुखानी पड़ेगी। चलो भाई साहब हो गया अलग। अब गाइस हमें इसके अंदर भैया PVC का पाइप लगाना है। तो भाई साहब ये है 20 mm का PVC का पाइप, बहुत हल्का है। फटाफट गाइस इसका सर्कल काटते हैं, और भाई इस पर पेंट वेंट करते हैं, तब इसे चिपकाएंगे इस पर। तो भाई ये कुछ इस तरह का मैंने सर्कल कट कर लिया है। और भाई साहब ये मैं ऐसे नहीं लगाने वाला, कभी आपको लगे कि भाई मैं इसे ऐसे लगूंगा, नहीं भाई ऐसे नहीं लगूंगा, इस ये उल्टा चलता है, ठीक है, अपोजिट स्पीकर के। देखो भाई साहब ये मैं इस तरीके से ऊपर चिपकाने वाला हूँ। देखो भाई इससे पहले मैं इस पर ब्लैक कलर कर देता हूँ, और भाई इससे ही पहले गाइस मैं इसे चिपका देता हूँ। तो भाई मैं इसे इस तरह चिपकाऊंगा। तो भाई साहब इसे प्लीज सॉल्यूशन से ही लगाएं, ये इससे अच्छा चिपकता है। कभी आप स्टड ग्लू मारो इस पर, नहीं ये मस्त इससे रुकता है बेहतरीन। तो भाई मैं फटाफट से चिपका देता हूँ। A few moments later. हाँ तो गाइस ये भैया बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। देखो भाई यहाँ पर ये पैसिव रेडिएटर भी काफी मस्त काम करेगा। तो बात और भाई ये भी ठीक है बॉटम। तो भाई इसका भाई कुछ लुक इस तरीके से है, ठीक है, देखो भाई। और भाई ये 20 वाट में है, 20 वाट का ही सही, और भाई रियल 20 वाट, ठीक है। चले भाई साहब फटाफट भाई इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भैया मेरे पास गरीब के पास फोन है, गरीब के पास तो फोन ही है, अब मेरे तो गाइस फोन ही नहीं रखते। तो भैया सबसे पहले मैं इसे ऑन करता हूँ, तो यहाँ से ऑन हो जाएगा स्विच, इस स्विच से ही ऑन होगा। तो भाई ये ऑन हो चुका है, और भाई मैं इसे ज़रा ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर लेता हूँ, बहुत आसान है। वाह वाह तगड़ा था। तो भाई पहले कोई प्लेन गाना सुनेंगे, और भाई प्लीज़ अगर यहाँ से कुछ कटिंग हो जाती है आगे वीडियो में तक समझ लेना भाई, तो कॉपीराइट लग गया। तो भाई मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करूँगा, ठीक है, तो कॉपीराइट से बचने के लिए। भाई बेस गाइस मतलब बेस इतनी मस्त है इसकी, भाई मतलब यार यकीन नहीं हो रहा, मतलब इतने में अच्छी इतनी बेस कैसे आ रही है इतने छोटे में। खैर जो बात है बेस काफी अच्छी है। तो भैया ये प्लेन सॉन्ग है बिल्कुल, मतलब कोई ज्यादा म्यूजिक है नहीं, देखिए। ये प्लेन सॉन्ग है, अब गाइस थोड़ा सा हम रिमिक्स देख लेते हैं, आई थिंक ये होगा। देखो फुल आवाज है, ठीक है,
प्लीज आप हेडफोन लगाकर सुनिएगा यहाँ से, क्योंकि इसकी बेस मतलब बहुत ज्यादा धास हुआ है, तो आई थिंक आपको जो मोबाइल के स्पीकर में पता नहीं लगेगी। थोड़ा सा मीडियम गाना चलाते हैं पंजाबी। आवाज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल फुल एचडी मान लो। एक बात और गाइस, इसके अंदर ट्रेबल कम है, बेस बहुत ज्यादा है। जैसे गाइस आप बड़ा कोई वूफर बजा रहे हो या बड़ा कोई होम थिएटर बजा रहे हो तो इसमें ट्रेबल बहुत कम है लेकिन बेस बहुत ज्यादा मेरे को लग रही है। तो भैया ट्रेबल के लिए गाइस आप अलग से कुछ में ट्यूटर लगा सकते हैं, लेकिन भाई आज के लिए लोगों को बेस पसंद है, तो भैया आप ये लगाओ तो गाइस बेस में सिंपल बात है ज्यादा आएगी ही आएगी। और भाई ये लगता है कि भाई जैसे स्पीकर, जब ये स्पीकर नहीं है तो भाई ये सब मैनेज कर लेता है। जब आप इसे लगाओ तो गाइस इसमें होल आपको नहीं करना, ठीक है। तो गाइस आई होप ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको अच्छा लगेगा। गाइस काफी भाई मेहनत की है इसे बनाने में और भाई साहब काफी वक्त लगा है, 2-3 दिन इसमें लग गए हैं भाई। आप जानते गाइस वीडियो पे नहीं आ रही है, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो गाइस इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है। गाइस आप यहां से इसे चार्ज भी कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर अच्छा लगेगा, तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, इसे जरूर बनाए, बहुत मस्त है। सब चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और एक बात और गाइस, आप प्लीज ऑफलाइन ले, ऑनलाइन बहुत कॉस्टली मिलता है। मैं ये नहीं कि आप डिस्क्रिप्शन लिंक से खरीदें, ऐसा कुछ नहीं है, जहां आपको सस्ता मिले वहां से खरीदें। थैंक यू, बाय बाय।